हम लोग देखने जा रहे हैं दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये इसमें हम लोग एक फार्मूला, सिंगल फार्मूला प्रूव करेंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं इसी के हेल्प से जो है आपको मिलते चले जाएंगे। तो एक सिंगल फार्मूला ही हमको केवल प्रूव करना है। तो जो योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, तो ये फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। कॉस एक्स प्लस वाई, जो आप लोग देखते हैं कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। बेसिकली ये हमारा जो है फार्मूला प्रूव करने का टारगेट है। ये फार्मूला एक बार जो है प्रूव हो जाए उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके आगे के फार्मूले हैं सब इसी के हेल्प से जो है तुरंत निकलते चले जाएंगे। और इससे आपको क्या होगा, एक फीलिंग्स आएगा कि मतलब कि हाँ जो कर रहे हैं हम वो लॉजिकल है और इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये हम लोग जो है प्रूव करते हैं कि कॉस एंगल ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एंगल ऑफ एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग जो है एक सर्किल बनाते हैं एकांक त्रिज्या का, जिससे हम लोग जो है अपना साइन कॉस इन सबको पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये हम लोगों ने एक सर्किल बनाया जिसका केंद्र है, वृत्त बनाया जिसका केंद्र है ओ, और ओ से हम लोगों ने क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रा किया। एक्स से हम लोग, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब हम लोग जो है इसमें ये जिस जो इसकी त्रिज्या है वो एकांक त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी हम लोग लेते हैं, एकांक। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक एक्स एंगल और एक वाई एंगल। तो हम लोग को ये बेसिक बात पता है कि हम लोग जब एकांक त्रिज्या का जब वृत्त खींचते हैं तो जो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग ए कामा बी मानते थे, ए कामा बी, और ये एंगल हमारा एक्स रेडियन रहता था, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या बताता था, साइन एक्स की वैल्यू बताती थी, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या बताता था, कॉस एक्स की वैल्यू। यानी जो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा कॉस एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स होगा। अब हम लोग एक एंगल एक्स लेते हैं, एक एंगल एक्स हम लोग ले लिए। तो सपोज कि एक्स एंगल लेने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा एंगल जो है ये एक्स है। तो एंगल एक्स है तो अगर ये चाप की लंबाई बोली जाए तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, और त्रिज्या हमारी कितनी है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स एंगल हम लोग चले हैं इसमें वाई एंगल और चलते हैं, वाई एंगल और चलते हैं एक्स प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, और फिर हम लोगों इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते हैं। अच्छा, ये हमारा अगर एंगल एक्स है तो जो एंगल हमारा होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसका अगर हम लोग नाम दे दें पी वन पॉइंट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी वन पॉइंट, पी वन। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, जो जिस एंगल पे चलते हैं आप उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट उतने एंगल का कॉस होता है, तो पी वन का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स, ये हमारा पी वन का कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, हम लोग ये पूरा एंगल हमारा कितना है, एक्स प्लस वाई, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से हम लोग कितना एंगल चले हैं, एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी टू। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकांक त्रिज्या के वृत्त में हम लोग जिस भी पॉइंट पे पहुंचते हैं जितना एंगल चल के, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उस एंगल का कॉस एक्स होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उस एंगल का साइन एक्स। तो उसी हिसाब से P1 पॉइंट पे हम लोग एक्स एंगल चल के पहुंचे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स। फिर इस पॉइंट पे हम लोग कितना एंगल चल के पहुंचे, एक्स प्लस वाई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स प्लस वाई, इसका वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स प्लस वाई। ये हो गया हमारा। अब हम लोग जो जितना एंगल जो हमारा वाई है, वाई सपोज कि हम लोग जो है माइनस वाई एंगल चल के कहाँ चले हम लोग, क्या है ये निगेटिव डायरेक्शन में, और कितना एंगल हम लोगों ने चला, माइनस वाई एंगल, माइनस वाई एंगल चल के हम लोग सपोज कि इस पॉइंट पे पहुंचे, तो माइनस वाई पे चल के अगर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं P3। तो P3 का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ जितना एंगल चल के पहुंचे, तो माइनस वाई एंगल, और साइन एक्स, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस वाई। ये हमारा हो गया P3। P3 अब हम लोग क्या करते हैं, ये P3 और P1 को हम लोग मिलाते हैं, किसको, P3 और P1 को मिलाते हैं हम लोग, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग P4, और P2 और P4 को मिलाते हैं, P2 और P4 को। तो यहाँ से जो हम लोगों ने इसको मिलाया था, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारा एंगल क्या है, ये हम लोग जो चले हैं ये हमारा कितना है, माइनस वाई। तो फिर से हम लोग फिगर अपना समझ लेते हैं, बस जो है आपका प्रूफ एकदम खत्म हो जाएगा। एक्स एंगल चल के हम लोग पहुंचे कहाँ पे, पॉइंट P1 पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं एकांक त्रिज्या के वृत्त में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जितना एंगल आप चल के पहुंचते हैं उसका कॉस, और वाई कोऑर्डिनेट जितना एंगल चल के पहुंचे हैं आप उसका साइन। तो एक्स एंगल चल के आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो P1 का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स। फिर एक्स से हम लोग वाई एंगल और चले, तो यहाँ से कितना एंगल चल के हम पहुंच गए, एक्स प्लस वाई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स प्लस वाई, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स प्लस वाई। ये हम लोग माइनस वाई एंगल चल के यहाँ पहुंचे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस माइनस वाई, और इसका वाई कोऑर्डिनेट साइन माइनस वाई। ये हो गया, हम लोगों ने P2 P4 को मिला दिया, और P1 ये हमारा जो है P1 और P3 को मिलाना पड़ेगा, ये मिलाना है हमारा, P1 P3 को मिलाना है, ये हमारा सही है, ये हमको नहीं मिलाना था P1 P2, तो इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे, चलिए उससे कोई फर्क नहीं है, ये हमको जरूरत पड़ेगी। अब 1 मिनट और ध्यान से सुनिए, उसके बाद ये प्रूविंग पूरा फिनिश खत्म हो जाएगा। कैसे, सबकी ये जो सारे डिस्टेंस हैं वो कितने हैं, एकांक त्रिज्या का वृत्त है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 यूनिट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो P4 का कोऑर्डिनेट भी पता है, P1 का भी पता है, P2 का भी पता है हमको, P3 का भी पता है, और जो सारा डिस्टेंस ओरिजिन से है सारा ये कितना कितना है, 1 यूनिट। ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से, ये सारा 1 यूनिट है। अब देखिए ये एंगल जो हमारा है, ये एंगल अगर हम लोग थीटा मान लें, तो इस ट्रेंगल का ओ पी टू पी फोर का ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस वाई। वाई जो माइनस वाई है वो तो हमारा क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि कौन से डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए इस दोनों ट्रेंग इस ट्रेंगल की, तो इसका क्या होगा, थीटा प्लस वाई, और ये हमारा थीटा है, तो इस ट्रेंगल की बात करी जाए ओ पी वन पी थ्री की, तो ये एंगल हमारा पूरा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से बना दे रहे हैं, ओ पी थ्री पी वन, ओ पी थ्री पी वन, ये एंगल हमारा अगर हम लोग जो है थीटा मान लें, तो हमारा ये एंगल जो ओ ओ पी थ्री
ओ पी वन एंगल कितना है थीटा प्लस वाई, यानी ये एंगल हमारा कितना है थीटा प्लस वाई। अब हम लोग ये ट्रेंगल बनाते हैं ओ पी टू पी फोर, ओ पी टू पी फोर बनाते हैं, ओ पी टू पी फोर, ये एंगल थीटा है और ये कितना है वाई है, तो ये एंगल हमारा पूरा कितना हो गया थीटा प्लस वाई। और ये जो डिस्टेंस हमारा ओ पी वन है वो कितना है 1 यूनिट, ओ पी थ्री कितना है 1 यूनिट, और ये डिस्टेंस हमारा ओ पी थ्री ये ओ पी टू हमारा कितना है 1 यूनिट है, ये कितना है ओ पी फोर कितना है 1 यूनिट है। तो ये हम लोग जो है समझ गए कि ये जो हमारा ट्रेंगल है ओ पी वन पी फोर, इसमें ये एंगल हमारा कितना है थीटा प्लस वाई, और ये जो हमारा है ओ पी थ्री पी वन, ओ पी थ्री पी वन, इसमें भी ये पूरा एंगल हमारा कितना है थीटा प्लस वाई। तो दो साइड और उन दोनों साइड को जो है उन साइड द्वारा अंतर्गत करी गई जो कोण है वो हमारा बराबर है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग सप्तक कसौटी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी किसी भी त्रिभुज के दो साइड बराबर हों और उन दोनों साइडों द्वारा अंतर्गत किया गया कोण अगर हमारा बराबर हो, ठीक है, तो साइड एंगल साइड, तो ये हमारा क्या होता है साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी होती है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से साइड एंगल साइड सर्वांग समता से कसौटी से हमारा जो त्रिभुज ओ पी थ्री पी वन और त्रिभुज ओ पी टू पी फोर हमारा क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत भाग बराबर होते हैं तो इससे हम लोग कहेंगे कि जो पी वन पी थ्री होगा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा पी टू पी फोर, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स एंगल चल के हम लोग पी वन पे पहुंचे, फिर वहां से वाई एंगल चल के हम लोग पी टू पे पहुंचे, तो ये पूरा एंगल हमारा एक्स प्लस वाई हो गया, फिर इधर से हम लोग माइनस वाई एंगल चल के पी थ्री पे पहुंचे, और फिर ये थीटा प्लस वाई ये एंगल यानी ओ पी टू पी फोर का एंगल थीटा प्लस वाई, डिस्टेंस वन वन, और इस ट्रायंगल का ओ पी थ्री पी वन का एंगल थीटा प्लस वाई, तो दोनों हमारा साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गए और संगत भाग बराबर हो गया, यानी पी वन पी थ्री बराबर हमारा क्या हो गया पी टू पी फोर। बस ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ तक पहुंच गए। अब जो है हम लोग ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो, देखिए पी वन के कोऑर्डिनेट हमको पता है कॉस एक्स साइन एक्स, पी टू पी थ्री का कोऑर्डिनेट हमको पता है कॉस माइनस वाई साइन माइनस वाई, और पी टू पी फोर सबके कोऑर्डिनेट पता है, तो हम डिस्टेंस जो है इक्वल कर लेंगे, पी वन पी थ्री डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और पी टू पी फोर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है कोऑर्डिनेट अपना जो हमारा है कोऑर्डिनेट हम लोगों का जो निकला है पी वन के कोऑर्डिनेट हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, पी वन का कोऑर्डिनेट हमारा है कॉस एक्स कम साइन एक्स, अच्छा पी थ्री का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है कॉस ऑफ माइनस वाई साइन ऑफ माइनस वाई, पी टू का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, पी फोर का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1,0, और हमको क्या यूज करना है पी वन पी थ्री बराबर पी टू पी फोर, ये सिंपल सी बात है। पी वन का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है कॉस एक्स कामा साइन एक्स, पी वन हमारा कितना है कॉस एक्स साइन एक्स, पी टू का कोऑर्डिनेट कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, पी थ्री का कोऑर्डिनेट कॉस माइनस वाई साइन माइनस वाई, पी फोर का कोऑर्डिनेट 1,0, और ये हमको क्या मिला पी वन पी थ्री
इक्वल टू पी टू पी फोर, ये सर्वांग समता से। बस ये डिस्टेंस हम लोग जो है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन हो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू हो, तो जो ए बी डिस्टेंस होता है या डिस्टेंस ए बी का अगर स्क्वायर की बात हम लोग करें, तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ये होता है। यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। अच्छा, एक पॉइंट हम लोगों को ये भी पता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो हमारा होता है ये क्या हो जाता है, हमारा माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो जाता है, कॉस एक्स। यानी हम लोग जानते हैं कॉस क्या करता है, माइनस को खा लेता है, और साइन क्या कर देता है, बाहर उल्टी कर देता है। तो इस पॉइंट का भी हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। तो पी वन पी थ्री इक्वल है, तो ये पी वन पी थ्री का स्क्वायर इक्वल टू पी टू पी फोर का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग पहले पी वन पी थ्री स्क्वायर निकाल लेते हैं। पी वन पी थ्री जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर, पी वन का कोऑर्डिनेट और पी थ्री का, तो ये हमारा जो है पी थ्री हमारा हो जाएगा कॉस माइनस वाई, तो हमारा कॉस वाई हो जाएगा, और साइन माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। ये हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज कर दिया। अब हम पी वन पी थ्री चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस, और ये वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है, माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस, तो ये फार्मूले वाला है, और ये माइनस साइन वाई हमारा कोऑर्डिनेट है इसका होल स्क्वायर। तो पी वन पी थ्री स्क्वायर ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस टू साइन एक्स साइन वाई। तो पी वन पी थ्री का होल स्क्वायर हमारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख लिए, वन लिख लिए, और कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई को भी हम लोग क्या लिख लिए, वन। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर ये, तो ये चार टर्म हमारे खत्म हो गए। माइनस या प्लस टू हम लोग कॉमन कर लें, साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, ये हमारा इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, टू प्लस टू साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई। अब पी टू पी फोर का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। पी टू कॉस एक्स प्लस वाई ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई, और ये हमारा साइन एक्स प्लस वाई में से जीरो गया तो साइन एक्स प्लस वाई बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, वन, तो और ये वन पहले से था, टू टू माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया, पी टू पी फोर का होल स्क्वायर। बस यही दोनों वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ये हमारा है पी वन पी थ्री का होल स्क्वायर। तो इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर दो। समीकरण एक तथा दो से दोनों इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमको पता है दो, इसको भी इसको वन कहेंगे, इसको समीकरण नंबर दो,
समीकरण नंबर, समीकरण एक दो तथा तीन से, तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों की इक्वल हो जाएगी। ये हमारा क्या आया था, 2 + 2 sin x sin y -cos x cos y -2 cos x + y। ये 2 2 खत्म हो गया, ये हमारा क्या बचा, 2 × sin x sin y -cos x cos y -2 cos x + y। 2 2 खत्म हो गया, और ये माइनस से, अगर माइनस से इधर दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो ये हमारा प्लस, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos x cos y, और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा sin x sin y, और ये हमारा 2 2 तो खत्म ही हो गया, और ये माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो गया cos x + y। तो ये हम लोग अल्टीमेटली जो प्रूव करना चाहते थे, cos x + y बराबर cos x cos y -sin x sin y, ये फार्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो ये फार्मूला जो है 1 नंबर, ये फार्मूला हमारा 2 नंबर, और ये जो फार्मूला आया हमारा ये 3 नंबर फार्मूला, ये इन दोनों को हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया, अब इसी के हेल्प से हम लोग बहुत सारे फार्मूले जनरेट कर लेंगे। तो आराम से जो है एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, कॉस दो कोणों के योग और अंतर का योग का, cos x + y = cos x cos y -sin x sin y। हम लोग जानते हैं कि जब एकांक त्रिज्या के वृत्त के किसी भी बिंदु पे हम लोग जब जाते हैं, तो जितना एंगल चल के जाते हैं उसका कॉस हमारा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देता है, और उसका साइन हमारा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देता है। अगर एक्स एंगल चल के आप पहुंचे हैं तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स होगा, और वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स होगा, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो एक्स एंगल हम लोग चले तो इस पॉइंट पे पहुंचे तो इसका कोऑर्डिनेट कॉस एक्स और साइन एक्स हो गया। फिर यहाँ से वाई एंगल और चले तो हमारा पूरा बेसिक से कितना एंगल चल गए, x + y एंगल पे चल के हम लोग P2 पे पहुंच गए, तो P2 का कोऑर्डिनेट कॉस जितना एंगल चले हैं तो x + y एंगल चले हैं। यहाँ रेफरेंस लाइन से एंगल देखी जाएगी, cos x + y sin x + y, ये हमारा क्या हो गया, P2 हो गया। अब एक जो है हम लोग -y एंगल चलते हैं, जितना y एंगल ये था उसका हम लोग माइनस में चलते हैं, तो -y पे चल के यहाँ पहुंच गए तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया cos -y और sin -y। ठीक है, अब हम लोग और P4 का कोऑर्डिनेट, P4 x यूनिट, x पे कितना चलेंगे 1 यूनिट, y पे 0, तो P4 का 1, 0। अब हम लोग P2 और P4 को मिला दिए, P1 और P3 को मिला दिए। ठीक है, अब हम लोग अगर इस एंगल की बात करें P2O P4, तो ये एंगल जो हमारा है ये हम लोग अगर थीटा मान ले और ये वाई है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये पूरा एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा + y। यानी P2O P4 एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा + y। और इस ट्रायंगल में देखें आप P1O P3 में, ये एंगल हमारा थीटा है और ये वाई, तो ये एंगल क्या है, थीटा + y। और ये साइड वन, ये साइड वन, इसका भी ये साइड वन, ये साइड वन, तो यहाँ हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दिया, OP1P3 और OP2P4। तो एक एंगल इक्वल हो और उस एंगल को जो अंतर्गत किए हो, दोनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं दो त्रिभुज की, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी होता है कि दो साइड बराबर हैं और दोनों साइडों द्वारा जो अंतर्गत किया गया कोण है वो बराबर है, तो दोनों सर्वांगसम होते हैं। तो ये हमारा OP3P1 और OP2P4 क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इससे हमारा ये पता चलेगा कि P1 P3 P2 P4 के बराबर होगा। अब P1 P3 डिस्टेंस हमको निकालना है, P1 का कोऑर्डिनेट पता है, P3 का पता है, P2 का पता है, P4 का पता है, तो कोऑर्डिनेट अगर पता हो x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस AB² हमारा क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर करें या x2 - x1 का, बात एक ही आएगा, होल स्क्वायर में प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस AB². अब P1 P3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो P1 का कोऑर्डिनेट हमको पता है cos x sin x, और P3 का cos - y sin - y। cos - y हमारा होता है, प्रूव कर चुके हैं, cos x, और sin - θ हमारा होता है -sin θ। यानी cos हमारा क्या करता है, थीटा को खा लेता है, और sin क्या कर देता है, बाहर उल्टी कर देता है। तो इसको P3 को हम लोगों क्या लिख दे, cos y, -sin y।
अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया और P1 P3 स्क्वायर बराबर P2 P4 स्क्वायर दोनों को जब इक्वल किया तो हमारा ये सिंपल सा फार्मूला प्रूव हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग 8-10 नए फार्मूले जो है तैयार कर लेंगे, तो एक फार्मूले का प्रूविंग इसीलिए जरूरी था।